दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब मेरा नेक्स्ट ये एक जो वीडियो मैं आपको अपलोड करने जा रहा हूँ, वह वीडियो आम से संबंधित ही है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा पौधा रहता है हमारे पास में और वहाँ पर दो तीन ब्रांचेस रहती है, या तो सिंगल अगर से बड़ा पौधा है तो हम वहाँ पर टॉप पे अपेक्स ग्राफ्टिंग करते, जो वी ग्राफ्टिंग है, उसमें बीच में हम साइड ग्राफ्ट मारते। जैसे ये मार दी मैंने साइड ग्राफ्ट, देखिएगा, समझो कंसिडर करो इस पर साइड ग्राफ्ट मार दी है और ऊपर टॉप ग्राफ्ट मार दी है। अब ये फेल हो गया, कंसिडर करो ये फेल हो गया। तो आपका जो साइड ग्राफ्ट अगर सक्सेस हो गया तो एक रिंग आ गई, उसके बाद में आप क्या करना है। तो आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो साइड ग्राफ्ट सक्सेस हो गई है, एक लेयर आ गई है, इसके बाद में आपको यहाँ जो ज्वाइंट है उससे लगभग आपको 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद में यहाँ से मेन वृक्ष जो है, मेन मदर प्लांट है, उसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब ये कट क्यों, कि अगर से यहाँ कट नहीं किया और यहाँ का आपने ब्रांचिंग निकला मदर प्लांट का, तो यहाँ आपका प्लांट जो है साइड ग्राफ्टिंग है मर सकता है। इसीलिए अब इससे बेस्ट होगा कि यहाँ से 2 से 3 सेंटीमीटर अबाव रूट स्टॉक को काट दीजिएगा, ताकि पूरा फूड मटेरियल इसको प्रोवाइड होगा और यहाँ एकदम स्पीडली बढ़ेगा दोस्तों। और कुछ दिन के बाद में आप जब यहाँ लगभग यहाँ कब छोड़ना है इसे साइड ग्राफ्टिंग के बाद में, यहाँ से कट करने के बाद में यहाँ पूरा फूड मटेरियल इसे जाएगा, यहाँ बढ़ेगा और यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ से काटने के बाद में फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद में यहाँ से ब्रांच अगर निकलती है तो यहाँ तोड़ते रहिएगा ऑटोमेटिक। कुछ दिन के बाद में यहाँ का ब्रांचिंग तोड़ने के बाद में निकलते हुए ऑटोमेटिक सूखते जाएगा और यहाँ तक सूख जाएगा और यहाँ पूरा ज्वाइंट हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ज्वाइंट पार्ट, तो इस प्रकार आपको यहाँ साइड ग्राफ्टिंग का केयर लेने का है, बता चुका हूं मैं। और यहाँ कब छोड़ने का, तो यहाँ लगभग इस पे जब तक आप 2 से 3 ब्रांच लेयर, ये एक सर्कल हो गया, फिर दूसरा सर्कल जब तक नहीं हो जाता, डार्क ग्रीन नहीं हो जाता, यहाँ जैसे डार्क ग्रीन हो गया, तो अभी नहीं, यहाँ जब सेकंड जब तक नहीं निकलेगा और यहाँ जब डार्क नहीं होगा, डार्क ग्रीन, तब तक इसे छोड़ने का नहीं। जब दूसरा सर्कल, जब एन सर्कल हो जाएगा सर्कल पत्तों का डार्क ग्रीन, तब इसे छोड़ देने का है। तो दोस्तों, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन अगर से अच्छी लगी, और इसके एक बताना चाहता हूँ कि इस पे आप जैसे कोहली पत्तियां निकलती है उस पर स्प्रे करने का भूलिएगा नहीं, क्योंकि लाल वाला कीड़ा जो रहता है वहाँ कतर देता है या रस चूस लेता है, छोटा वाला दिखता भी नहीं आपको। तो इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 8-8 दिन में आप करते रहेगा। कब, ये हरे पत्तों पे कीड़े नहीं आते दोस्तों, तब स्प्रे नहीं करने का, जब वो लाल वाला जो पत्ता निकलता है, बड निकलती, उसी पे हमला करता है, इस पे नहीं करता है, ख्याल में रखिएगा। इस प्रकार की पत्तियों पे हमेशा कीटक स्प्रे, कीटकनाशक का स्प्रे कीजिएगा। लेकिन यहां अगर से इस प्रकार की हो जाती है तो इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करने का, क्योंकि इसको कोई गरज नहीं। इसे जठर पत्ती को, जो डार्क ग्रीन पत्तियों को जनरली कीड़े नहीं खाते। तो यहाँ तो अभी अब और एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कि समझो कंसिडर, ये आपकी फेल हो गई, कंसिडर करो यहाँ की भी फेल हो गई, तो पौधा खराब नहीं होता। आपको यहाँ से कट करके फिर 15 दिन में पता ही चल जाता है आपकी ब्रांच हरी रही या ब्रांचिंग एकदम जैसी सायन अपने फिट किया वैसी ही है। 15-20 दिन या महीना 2 महीना भी हो गया और सायन हरी है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ होगी, और लेकिन सूख गई है, श्रिंकेज आ गई है, तो यहाँ से कट करके आप फिर ये नीचे के पोर्शन पर ग्राफ्ट कीजिएगा। अब यह साइड ग्राफ्ट यहाँ से खत्म हो गई तो इसे छोड़ो मत, इसे वैसे ही रहने दो। आप यहां पर फिर साइड ग्राफ्ट करो, यहां भी साइड ग्राफ्ट कर सकते हो आप। तो इस प्रकार 2-3 साइड ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 या 2 साइड ग्राफ्ट रखने की है, उसके ऊपर का पोर्शन कट कर देने का। तो दोस्तों, अगर से आपको यहां वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी नुमा पोर्शन है बेल आइकॉन उसे क्लिक कीजिएगा, तो आपका आपको नए नए नोटिफिकेशन में। थैंक यू वंस अगेन।